तभी दोस्तों यहाँ पे जो की गाड़ी खड़ी हुई है तभी साइकिल को इस पे लाते हैं। गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, परसों से बिगड़ चुकी, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहीं पर खड़ी हुई थी। फाइनली दोस्तों हम पैदल ही चल रहे हैं लेकर गाड़ी, है देख सकते हैं। हाय एवरीवन, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी जो हम आए हुए हैं सीतारामपुर, जहाँ पे टेंट लगा हुआ था तो उसे खोलने, तो हमारे साथ मुकेश भैया बैठे हुए हैं, बाकी अभी वो टेंट को लेकर चलते हैं। कल सारा बर्तन का सामान गया, अभी टेंट रुका हुआ था क्योंकि कल आने मतलब लेने आए थे लड़की वाले की तरफ से, तो अभी इस टेंट को खोलते हैं फिर लेकर चलते हैं घर। इधर राजवीर भाई पंडाल को खोल रहे हैं, बाकी ये गाड़ी यहीं पर खड़ी हुई है, परसों से बिगड़ चुकी, स्टार्ट नहीं हो रहा, तो यहीं पर खड़ी हुई थी, देख सकते हैं परसों से खड़ी हुई है, कैसा खराब हो चुका है। तो अभी जल्दी से टेंट खोलते हैं, उसके बाद पास में ही जहाँ पर गाड़ी बनवाएंगे वही पास में ही, तो वहाँ पर लेकर चलते हैं इसे बनवाने के लिए। तो फिलहाल अभी पहले खोल कर सामान को ला लेते हैं, चाबी भी नहीं आई हुई तो पहले घर चलेंगे, वहाँ से चाबी लेकर आएंगे, उसके बाद इसे बनवाने के लिए ले चलेंगे। तो फाइनली दोस्तों जो कि सारा टेंट खुल चुका है, तो अभी से जल्दी से गाड़ी पे लाते हैं। गाड़ी की चाबी अभी इसमें रखी हुई थी, तो अभी इसे लेकर चलते हैं, पहले चलते हैं देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं, वरना इसी के सहारे चलेंगे दुकान तक गाड़ी देंगे, तो पहले चल के चेक कर लेते हैं स्टार्ट होता है या नहीं। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी भाई, तो क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो अभी सामान लाते हैं जल्दी जल्दी। इधर रमेश भैया पकड़ा नहीं, राजवीर ला रहे, तो काफी काम हो रहा है देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी प्लग रेंज से प्लग खोल कर एक बार सफा करके देखते हैं स्टार्ट होता है या नहीं, तो अभी यहाँ पे प्लग मिल चुका है, तो अभी इससे पहले सफा कर देंगे और स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी दुकान पे जाएगी, नहीं होगा फिर भी जाएगी, तो हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों जो कि अभी इसे सफा करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मुकेश भैया जो कि इसे भी सफा कर रहे हैं, बिल्कुल मस्त नया लगा था, फिर भी अभी स्टार्ट नहीं हो रहा, देखते हैं अगर इससे हो जाएगा तो चढ़कर चलेंगे मतलब स्टार्ट करके, वरना पैदल ही जाना पड़ेगा। लगभग वो जो वहाँ पर ब्रिज दिखाई दे रही है वहाँ पर है उस वो दुकान, तो अभी जल्दी से सफा करके स्टार्ट करते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो गाड़ी बनेगी और ये रस्सी ले लो, ये सामान बांध के गाड़ी कोचिंग करिए, पहुंचाइए दुकान पे। स्टार्ट नहीं हुआ तो अभी वहां तक पैदल या तो इसी के सहारे लेकर चलेंगे, अभी देखते हैं कैसे लेकर चलेंगे। तो अभी सारा सामान लग चुका है, तो अभी इसे बांध रहे हैं रस्सी से, तो अभी देखते हैं कैसे ले चलते हैं। फाइनली दोस्तों हम पैदल ही चल रहे हैं लेकर गाड़ी, देख सकते हैं अभी तो अभी काफी मजा आ रहा है। तो दोस्तों अभी जो सामने दुकान दिख रही है कपड़े वाला ऊपर, उसी के नीचे है दुकान, तो अभी इधर से चलते हैं। तो अभी फाइनली दोस्तों गाड़ी लेकर आ चुके हैं, तो भैया कह रहे हैं शाम तक बन जाएगी, तभी दोस्तों गाड़ी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, तभी निखिल भाई लेकर चले आएंगे, तो अभी साइकिल लेकर हम जा रहे हैं। अभी दोस्तों वहाँ पे जो है गाड़ी बनने के लिए दे दिया, बाकी भी हम साइकिल से आ रहे हैं क्योंकि हमारे गाँव का ही लड़का जो निखिल था वही वहाँ पे गाड़ी बनाने का सोचा है, तो अभी यहीं पास में ही वहीं पर गाड़ी खड़ी हुई है, तभी चल के साइकिल उस पर लाते हैं फिर घर चलते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे जो की गाड़ी खड़ी हुई है, तभी साइकिल को इस पर लाते हैं। तभी दोस्तों जो कि साइकिल लग चुकी है, तभी घर चलते हैं। मुकेश भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं राजा की तरह पैदल के, तभी इसमें गाना बज रहा है, साइकिल ले चुकी है घर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कि पाती थोड़ा तो बताया सामान गिर गया, इसलिए ड्राइवर ने गाड़ी रोका, तो अब हम गाड़ी चलाकर यहाँ से लेकर चलेंगे। तो अभी फाइनली दोस्तों जो कि गोदाम पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे सारा सामान रखा हुआ है, तो अभी सामान को जल्दी से उतारते हैं, उसके बाद फिर घर चलेंगे। अभी 10 मिनट बाकी हुए हैं एक बजने में, तो टाइम भी ज्यादा हो चुका है, अभी जल्दी से पूरा सामान उतारते हैं फिर चलते हैं घर पे कुछ खाने। तो अभी दोस्तों सारा सामान उतर रहा है,
तो ज्यादा जब सामान आने लगभग 10 मिनट लगेगा, सारा सामान उतर जाएगा। तो उसी पार्टी के कारण गाड़ी रोकाई गई थी, इसलिए फिर हम दोबारा हम गाड़ी चला कर लेकर आए, तो अभी सामान उतर रहा है। अभी दोस्तों सारा सामान उतर चुका है, अभी कहीं छिपा बचा हुआ अभी उतार देंगे, तभी हम चल रहे हैं साइकिल से घर पे खाना खाने। साइकिल साइकिल तभी सारा सामान उतर ही चुका है, तो जल्दी से चल के खाना खा कर आते हैं। तो घर आ चुके हैं तो खाने में फाइनली दोस्तों, अभी जो खाना खाने के बाद गोदाम पे आ चुके हैं। तो अभी जो दूसरे चैनल के लिए उस पे कल वीडियो भी नहीं अपलोड किया, तो उस चैनल के लिए चल के वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ से कट के कौन करते हैं, बाकी भी उधर बत्ती जला देते हैं, हिल गया था। तो इधर अभी तार हिल रहा है देखते, तो अभी फाइनली बत्ती जल चुकी है। तो अपना स्टैंड लगाते हैं, फोन को लगाकर जल्दी से वीडियो शूट कर। लाइट भी चली गई, तो अभी लाइट भी चली गई जैसे शूट करने वाले थे। तो अभी बत्ती का वेट करते हैं, उसके बाद फिर जैसे लाइट आएगी फिर वीडियो शूट कर लेंगे। तो बताइए अभी अभी फुर्सत मिली तो बत्ती भी चली गई, तो देख सकते हैं अभी अंधेरा हो चुका है, फिर से इस वीडियो नहीं आता क्योंकि आसपास सारा सामान रखा हुआ है, तो बिना लाइट का सही से वीडियो नहीं आता। तो अभी लाइट का वेट करते हैं, जैसे आएगी फिर और सारा वीडियो को मतलब शूट करके उसके बाद एडिट भी करना है। तो फाइनली दोस्तों बहुत सारा इंतजार करने के बाद तो लाइट आ चुकी है, तो लगभग 2-2.5 घंटे बाद लाइट आई है दोस्तों, क्योंकि बहुत देर लग गया लाइट आने में, लगभग अब रात ही हो चुकी है देख सकते हैं, और बाकी सारे तरफ अंधेरा है। तो यहाँ पर जहाँ पे वीडियो शूट करते हैं वहीं पर आकर ये ब्लॉग शूट कर रहे हैं। तो बहुत देर के बाद अभी लाइट आई, तो जब तक लाइट नहीं थी दोस्तों तब तक हमने जो पिछला अपना जितना ब्लॉग शूट किया था उसको पूरा एडिट कर दिया, क्योंकि अभी एडिट करेंगे तो रात हो जाएगी दोस्तों, काफी रात हो जाएगी, फिर सुबह जल्दी क्योंकि दोस्तों देर में सोएंगे तो थोड़ा देर में उठते हैं, इसलिए पूरा मतलब अभी टाइम मिला था तो पूरा इस ब्लॉग इतने में एडिट कर डाला, बाकी अभी जो शूट होगा इसे एडिट कर लेंगे। तो अभी जल्दी पहले दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों जो कि दूसरे चैनल का वीडियो भी शूट हो गया है, तो इधर स्टैंड लगाया हुआ है ये, इसमें फोन लगा देते हैं, बाकी इधर से बोल देते हैं। तो अभी सारा हो चुका है, तो अभी घर चलते हैं, वहां से खाना खाकर फिर आते हैं। दोस्तों घर आ चुके हैं, तो ठंडी लग रही थी तो अभी हाथ सेक रहे हैं, अभी घर पे रोटी बन रही है, तो जैसे रोटी बन जाए उसके बाद फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद चलते हैं गोदाम पे, वहाँ पे लेटेंगे। तो अभी रोटी बन रही है, रोटी बनने में तब तक हाथ सेक लेते हैं, ठंडी भी हो रही है। फाइनली दोस्तों भी सारा खाना बन चुका है, रोटी भी बन गई, तो आज भी देख सकते हैं चिकन बना हुआ, चावल रोटी प्याज है, मस्त खाते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली दोस्तों भी जो खाना खा लिया, तो अभी चलते हैं गोदाम पे, काफी ठंडी भी हो रही है, तो अभी वहाँ पर चल के पहले हाथ सेकेंगे उसके बाद लेटेंगे। फाइनली दोस्तों भी जो घर से गोदाम पे आ चुके हैं, तो अभी यहाँ पे चल के बिस्तरा लगाएंगे उसके बाद लेटेंगे। तो अभी ठंडी लग रही थी तो हाथों को सेक रहे हैं, तो उसके बाद अभी चल के बिस्तरा लगाएंगे और ब्लॉग को भी एडिट कर लेंगे। तो पूरा ब्लॉग एडिट हो ही गया था, बस थोड़ा सा और करना है, बाकी अभी चल के लेटेंगे। तो अभी इस ब्लॉग के पे एंड कर देते हैं, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट तबाहीदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Peace.